नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका लर्न मैजिक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है स्वर्णिम पाठक और दोस्तों आज जो है मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ। चैलेंज ये है दोस्तों कि ये जो पांच कार्ड हैं, ये पांच कार्ड, इन पांच कार्डों को आपको याद करना है। सिर्फ इनका नंबर नहीं, इनका कलर भी, कि हुक्म के हैं, पान के हैं, चीड़ के हैं, और इनकी सीक्वेंस भी आपको याद करनी है। आपको मैं देता हूँ 10 सेकेंड इन पांच कार्ड की सीक्वेंस याद करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको याद हो गए हैं दोस्तों। हो सकता है आपको याद हो गए हो कि क्या पत्ते थे, क्या आपको उनकी सीक्वेंस याद है, क्या पहले हुक्म का सत्ता था या पान की बेगम थी या फिर ईंट का छक्का था। चलिए, पांच कार्ड तो फिर भी आसान है। अगर मैं इन कार्ड में पांच और मिला के इनको मैं बना दूं 10 कार्ड, तो क्या आप इन 10 कार्ड की सीक्वेंस को याद कर सकते हैं कलर और नंबर के साथ, अगर मैं आपको 10 सेकेंड दूं। लोग बोलते हैं कि अगर आप 5 कार्ड को उनकी सीक्वेंस के साथ याद रख पा रहे हैं तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। अगर आप 10 कार्ड को कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सपर्ट लेवल की मेमोरी वाले हैं। लेकिन मैं आपको आज 15 कार्ड याद करके दिखा सकता हूँ, और इनफैक्ट 15 नहीं, मैं चाहूँ तो पूरी डेक भी याद कर सकता हूँ। जी हाँ, ये डेक, रैंडम डेक, जिसको मैं याद कर सकता हूँ, और ये मैं याद कर सकता हूँ इस डेक को सिर्फ 10 सेकंड में। यकीन नहीं हो रहा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैजिक शुरू करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक रैंडम डेक ऑफ कार्ड है और मैं इस डेक के 15 पत्ते जो है आपको याद करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं पूरी डेक भी याद कर सकता हूं, और उससे पहले जो है मैं डेक को शफल कर दूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने इसमें कोई सेटिंग कर रखी है। अभी मेरे पास कोई स्पेक्टेटर होता तो मैं उनसे शफल करने को बोलता, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई स्पेक्टेटर नहीं है तो मैं इसको खुद ही शफल करूंगा। और शफल करने के बाद मैं जो हूं इस डेक को याद कर लूंगा सिर्फ 10 सेकेंड में। आप सोचिए, 10 सेकेंड में पूरी डेक मैं याद करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं याद करना शुरू करता हूं। ओके, मुझे जो है डेक याद हो गई है। शायद मैंने 10 की जगह कुछ 11-12 सेकंड ले लिए होंगे, लेकिन पूरी डेक मुझे अब याद हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको डेक जो है वो बताना शुरू करता हूं। एक एक करके सारे पत्ते आपको बताऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। और मैं जो हूँ बिल्कुल, ताकि ये बिल्कुल फेयर हो, इसलिए मैं जो हूँ ये डेक को पीछे रखूंगा और एक एक पत्ता दिखाऊंगा। और जब मैं पत्ता दिखा रहा हूँगा तो वो मैं कैमरे की तरफ नहीं देखूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कैमरे में देख के अपना प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। तो दोस्तों पहला जो पत्ता था वो था पान का 1। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा पत्ता है वो है चिड़ी का गुलाम। उसके बाद दोस्तों जो अगला पत्ता है वो है हुक्म का गुलाम। फिर दोस्तों जो अगला पत्ता है वो है ईंट का चौवा। फिर दोस्तों जो अगला पत्ता है वो है ईंट का बादशाह। फिर दोस्तों जो अगला पत्ता है जो मुझे याद आ रहा है वो है पान का दहला। और अब ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब जो है बाद के पत्ते आते जा रहे हैं। तो शायद ये था चीड़ी का सत्ता। उसके बाद अगला जो पत्ता था वो था पंजा हुक्म का। उसके बाद ये पत्ता तो मुझे याद है, इसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। ये तो एक साइन करा हुआ पत्ता था, पिछली मैजिक मैंने यूज करा था। ये चीड़ी का जो है बादशाह है, और चीड़ी के बाद वाला जो मेरे को याद है मेरी मेमोरी में वो था पान का बादशाह। उसके बाद अगला वाला थोड़ा मुश्किल है, वो था हुक्म का छक्का। और अगला वाला पत्ता तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, ये तो मुझे हमेशा ही याद रहेगा। हुक्म के छक्के के बाद था हुक्म का 1। और हुक्म के 1 में जो था पूरी इनकी जो ग्रुप था एक साथ आया हुआ था, क्योंकि अगला जो हुक्म का बादशाह था वो भी उसके बाद ही था।
और फिर जो अगला पत्ता था वो था ईंट का गुलाम, और अगला वाला थोड़ा मुश्किल है, अगला वाला था हुक्म का चौवा तिग्गा, हुक्म का तिग्गा, और फिर जो अगला था वो था हुक्म का इट्ठा, फिर जो अगला था वो फिर से इट्ठा ही था, पान का था शायद, पान का इट्ठा। तो देखा दोस्तों कैसे मैंने जो है पूरी की पूरी डिक याद कर ली सिर्फ 10 सेकंड में। मैंने अभी आपको 10-15 पत्ते पढ़ के सुनाए, लेकिन मैं चाहूं तो पूरे के पूरे 52 पत्ते इस डिक के जो है वो याद करके आपको सुना सकता हूं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो दोस्तों कैसा लगा ये मैजिक, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और नीचे कमेंट भी लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, और चाहे आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं करा है, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन बना हुआ आता है, उस बेल आइकन को दबा दें, उसको एक्टिवेट कर दें ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों ट्यूटोरियल में चलते हैं और दिखाते हैं कि ये मैजिक कैसे होता है। दोस्तों 5 पत्ते ना शायद आप याद कर सकते हैं, मैं थोड़ी कोशिश करूं, थोड़ी कुछ कहानियां बनाऊं, कुछ मेमोरी के टेक्निक इस्तेमाल कर दूं, 5 पत्ते में याद कर सकता हूं, 10 मैं कभी याद नहीं कर सकता, और 52 पत्ते तो आप भूल जाएं, वो तो अगर आइंस्टाइन भी यहाँ आ जाएंगे तो शायद 52 पत्ते याद नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये जादू कैसे किया जाता है? ये जादू थोड़ी सी मेंटल ट्रिक है, थोड़ी सी सफाई है। आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी रैंडम डेक ऑफ कार्ड लेनी है, उसको अपने स्पेक्टेटर से शफल भी करवाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सीक्वेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको दोस्तों क्या करना है, जब आप पत्तों को याद कर रहे हैं 10 सेकंड के लिए, जब आप उनको दिखा रहे हैं कि आप पत्तों को याद कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो चीज़ ये है कि आपको सिर्फ ये सबसे नीचे वाला पत्ता याद कर लेना है जो अभी चिड़ी का छक्का है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको अपना हाथ पीछे ले जाना है और उनसे बोलना है कि आप एक एक करके प्रेडिक्शन करेंगे और सबसे नीचे वाले पत्ते से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जब अपना हाथ पीछे रख रहे हैं, पहला पत्ता आपने देख लिया तो आपका पहले पत्ते का प्रेडिक्शन है चिड़ी का छक्का, आपको पता है। आपको क्या करना है, इस चिड़ी के छक्के को उठा करके ऐसे उल्टा करके डाल देना है, ठीक है, और फिर ऐसे करके सामने ऑडियंस को दिखाना है और बोलना है चिड़ी का छक्का। लेकिन जब आप चिड़ी का छक्का बता रहे हैं तो पीछे की साइड आपको दूसरा पत्ता दिख जा रहा है, यानी कि जब आपने उनको ऐसे दिखाया चिड़ी का छक्का, फिर ऐसे देखा तो आपको दिख गया कि अगला पत्ता चिड़ी का इक्का है। फिर आप हाथ पीछे ले गए, ये पीछे अगर मान लीजिए मेरा हाथ है, फिर चिड़ी का इक्का मैं घुमा के आगे लाऊंगा और फिर चिड़ी का इक्का जो है दिखाऊंगा, लेकिन प्रिडिक्ट मैं चिड़ी का इक्का कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि अगला जो पत्ता है, क्योंकि पीछे का पत्ता मुझे दिख रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि अगला जो पत्ता है वो है ईंट का पंजा। फिर ऐसे ही अगला पत्ता है ईंट का दहला। फिर ऐसे ही अगला पत्ता है ईंट का नहला। फिर ऐसे ही अगला पत्ता है ईंट का तिग्गा। ऐसे ही अगला पत्ता है चिड़ी का तिग्गा। और बाकी सब दोस्तों आपकी एक्टिंग के ऊपर है, आप कैसे दिखा सकते हैं कि वो याद आ रहा है। कभी कभी गलत प्रिडिक्ट करें, बोले कि अरे अगला पत्ता चिड़ी का दहला है लेकिन यहाँ चिड़ी का अट्ठा है, फिर बोले नहीं 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 दहला नहीं अट्ठा है। तो ये सब आपकी जो है माइंड ट्रिक्स हैं, आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को इंगेज रख सकते हैं, उनको थोड़ा सा ऐसा दिखा सकते हैं कि आप जेन्युइनली याद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आप 52 के 52 पत्ते याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो मैजिक ट्रिक, बहुत ही सिंपल ट्रिक, बिगनर्स ट्रिक, लेकिन आप किसी को भी जब दिखाएंगे पहली बार वो ज़रूर बिल्कुल शौक मानेंगे कि यार इसका दिमाग इतना तेज़ है क्या। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए लर्न मैजिक यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक्स के लिए। चलिए फिर मिलते हैं।